ये देखिए फ्रेंड, ये कितना स्पॉन्जी केक बना है और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं ओरियो बिस्किट ली हूँ। एक पैकेट मेरे पास ओरियो बिस्किट था। कोई भी बिस्किट से बना सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर होना चाहिए बिस्किट का। तो मेरे पास बस एक ही पैकेट था ओरियो, और ये है यूनिबिक का, ये भी चॉकलेट फ्लेवर है, चोको चिप्स वाला बिस्किट है ये। तो दोनों मिक्स कर दी हूँ मैं, और ये देखिए तोड़ तोड़ के मेरे बच्चे भी डाल रहे हैं इसको, बिस्किट को। तो यहाँ पे बिस्किट ले लेना है। तो यहाँ पे बिस्किट ले ली हूँ मैं, और अभी मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और फिर इसे ग्राइंड करूँगी। तो दूध ज़्यादा नहीं डालना है, आपको दिखाती हूँ। तो उस टाइम मैं फ्रेंड दो पैकेट ली थी बिस्किट, तो कम हो गया क्वांटिटी। तो एक पैकेट मैंने और यूनिबिक डाली हूँ बिस्किट, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बड़ा सा केक बन जाए। उस टाइम दो पैकेट में थोड़ा ही हुआ था, तो एक पैकेट में और डाल रही हूँ। इसमें फिर और थोड़ा सा और बिस्किट दूध डालूँगी। तो इसी तरह से तोड़ के दूध बिस्किट ले लेना है, और फिर उसे दूध डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बिस्किट को ग्राइंड कर ली हूँ दूध के साथ, और मैंने इसमें इनो भी मिला दिया है। एक्चुअली मैंने पहले ही मिला दी थी, आधा पैकेट डाली हूँ मैं। तो मैं बस दिखा रही थी आपको, अगर मैं पूरा डालती तो ये अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ पैकेट दिखा रही थी, बाकी आधा मैं डाल चुकी थी। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गई है। और अब मैं इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिसमें हमें बेक करना है। तो ये देखिए मैंने कटोरी रेडी रखी है, इसे मैंने तेल, और तेल से पहले ग्रीस कर ली हूँ, फिर मैदे से डस्टिंग करके इसे कटोरी को रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है फ्रेंड, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं इसमें बादाम कूट के डाल दी हूँ, और अभी मेरे पास एक्स्ट्रा और ड्राई फ्रूट कुछ नहीं है, तो बस मैं बादाम डाली हूँ। और इसे देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने कुकर को भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसे मैं चिमटे की हेल्प से कुकर में रख दूँ। 20 मिनट पहले ही मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने डाला है नमक और स्टैंड, और अब मैं इसे रख दूँगी चिमटे की हेल्प से, ताकि हाथ ना जले। इसके ढक्कन बंद कर दूँगी बिना सीटी लगाए, बिना सीटी को निकाल के लगा। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा केक रेडी हो चुका है। ये पूरा बन बेक हो गया बहुत अच्छे से, और ये ठंडा भी हो चुका है। एक्चुअली मैं आपको चेक करना बताना भूल गई वो वीडियो। इसे चेक करने के लिए आप एक स्पून डाल के देख सकते हो इसके अंदर। अगर आपके स्पून में नहीं चिपकता है आटा, तो ये केक बन के रेडी हो जाता है। अब बंद। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा केक ठंडा हो चुका है एकदम। तो अभी इसे मैं एक थाली की हेल्प से इसे पलट लूँगी, और ये देखिए बिल्कुल आराम से डप डप करके इसे पलट लेना है, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से ये आ जाएगा। अगर आपने कटोरी को अच्छे से ग्रीस किया होगा तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा पलटने में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हो चुका है, थोड़ा सा सटा है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और केक कैसा बना है ज़रूर बताइएगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप भी अपने घर में। और इसे आप डेकोरेट कर सकते हो चॉकलेट हर्षी सीरम से, या फिर डेरी मिल्क चॉकलेट को भी मेल्ट करके आप इस पे डेकोरेट कर सकते हो। तो उतना ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, ये तो पहले से ही चॉकलेट बिस्किट का बना हुआ है केक, तो और भी चॉकलेटी करने का ज़रूरत नहीं है ऐसे भी।